सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में कि एग्जैक्टली आप फॉरएवर के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और फॉरएवर में पैसा कैसे आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको सारी चीज अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने नोटपैड के ऊपर और आपको बताते हैं कि आप फॉरएवर के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और फॉरएवर में पैसा कैसे आता है। फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको करनी होती है ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो वेबसाइट है जिसका नाम है forever living.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए गाइस आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपका एज प्रूफ और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ। ठीक है, ये दो चीजें जो है आपको देनी पड़ती है तभी आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है फॉरएवर में। ठीक है, ये ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी गाइस, ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जिसने भी आपको इस वीडियो का लिंक भेजा है वो आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही गाइस आप ज्वाइनिंग करते हो तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी ना एक आईडी क्रिएट होती है, आपकी एक आईडी क्रिएट होती है जो कि 12 डिजिट की होती है। ठीक है, 12 डिजिट की एक आईडी कोड आपकी जनरेट होती है। ठीक है, जिसे हम यूनिक आईडी कोड भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिक आईडी कोड। ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं FBO आईडी। क्या बोलते हैं? FBO आईडी। FBO आईडी का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर आईडी। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ऑनर आईडी बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, आईडी जनरेट होती है, आप कंपनी के पहले लेवल पे पहुंच जाते हो जिस लेवल का नाम है नोवस कस्टमर। आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान में आप नोवस कस्टमर बन जाते हो, या फिर हम इसका एक और नाम देते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज होती है गाइस, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हो तो आप नोवस कस्टमर या फिर आप प्रेफर्ड कस्टमर आप बन जाते हो। ठीक है, जैसे ही आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो तो कंपनी आपको हर एक प्रोडक्ट पे ना 5% का डिस्काउंट देना आपको स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कंपनी बोलती है कि जैसे आप ज्वाइनिंग कर लोगे उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट आप मेरे से खरीदोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट पे आपको हम प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, आप एक चीज सोचो गाइस, आज से पहले हम काफी मार्केट से ना हमने प्रोडक्ट को लाया है ना, बट आज तक हमें कभी भी ना डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलती है कि जैसे आप मेरे साथ ज्वाइनिंग करते हो, जैसे आप कंपनी में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो भी आप प्रोडक्ट्स कंपनी से आप बाय करते हो आपको कंपनी 5% का डिस्काउंट देगी। ठीक है, सो नोवस कस्टमर के बाद जो दूसरा लेवल होता है कंपनी का, उसे हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, दूसरा लेवल होता है कंपनी का असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए गाइस हमें ना कंप्लीट करनी होती है 2CC। क्या करनी होती है? 2CC। ये 2CC समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से 2CC नहीं समझाना तो आपको मार्केटिंग प्लान नहीं समझ आने वाला है। ठीक है, तो आपको 2CC बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये 2CC क्या है। 2CC गाइस एक टर्नओवर है। ठीक है, एक टर्नओवर है जिसे किसी भी लगातार के 2 महीने के अंदर जो है ना हमें कंप्लीट करके जो है कंपनी को दिखाना होता है। जैसे आप 2 महीने के अंदर आप 2CC करके दिखा देते हो तो आपका ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूँ कि ये सीसी क्या होता है। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सीसी का मतलब होता है गाइस कैश क्रेडिट्स। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कॉमन करेंसी, या फिर आप इसे बोल सकते हो कंपनी करेंसी। ठीक है, कंपनी करेंसी। देखो गाइस, जैसे फॉरएवर जो है ना 170 कंट्री में काम कर रही है। ठीक है, तो हर एक जितने भी कंट्री है ना, हर एक कंट्री के जो करेंसीज होते हैं वो डिफरेंट होता है ना, कहीं पे डॉलर, कहीं पे दिनार, कहीं पे यूरो, है ना। इंडिया में क्या चलता है गाइस? रुपीस चलता है ना। तो कंपनी ने क्या किया, एक कॉमन करेंसी बना दी जो सारे देशों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो सीसी का मतलब आप गाइस सिंपल सा समझो, सीसी का मतलब होता है प्रोडक्ट पॉइंट। ठीक है, सीसी का मतलब होता है प्रोडक्ट पॉइंट। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं गाइस, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, 1CC का मतलब होता है गाइस 1000 पॉइंट्स। ठीक है, 1CC का मतलब होता है 1000 पॉइंट, और 1CC की इंडियन करेंसी में जो वैल्यू होती है 18,000 से लेके 19,000 होती है। ठीक है गाइस, सेम 2CC बराबर होता है 2000 पॉइंट। ठीक है, 2000 पॉइंट, तो इंडियन करेंसी में इसकी इतनी वैल्यू हो गई 36,000 से लेके 38,000। ठीक है गाइस, तो ये होती है 2CC। ठीक है, 2CC की इंडियन करेंसी में जो अमाउंट होता है 36,000 से लेके 38,000 तक का। तो जैसे आप 2 महीने में कंपनी को आप 36 से 38,000 का अगर आप टर्नओवर दिखा देते हो तो आपकी 2CC हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमारी कंपनी का ना एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल।
ठीक है, उसके ऊपर ना 100 पॉइंट दिया हुआ है कंपनी ने, एलोवेरा जेल के ऊपर 100 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम 10 बोतल एलोवेरा जेल खरीद लेंगे, ठीक है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे गाइस, 1000 पॉइंट्स। समझ आ गया? तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं, किसी पे 100 पॉइंट्स हैं, किसी पे 90 पॉइंट्स हैं, किसी पे 80 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट्स को आप परचेजिंग करते हो ना, तो जब आपकी आईडी पे जुड़कर जब 2000 पॉइंट हो जाता है, ठीक है, तो आपकी जो है 2CC कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और ये जो 2CC है गाइस, इसको जो है ना हमें लाइफ में ना वन टाइम करना होता है, वन टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको पर मंथ करना है या फिर आपको पर ईयर करना है, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ये कंपनी को करके दिखाना होता है। जैसे आप ये 2CC कंप्लीट करके दिखा देते हो कंपनी को, तो कंपनी आपको एक लेवल देती है जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो कि ये बहुत बड़ा लेवल होता है गाइस। आज फॉरएवर में जितने लोग भी आज पैसे कमा रहे हैं ना, सारे लोगों ने इसी लेवल से जो है काम को स्टार्ट किया था, तब जाके आज इतनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये हो गया दूसरा लेवल। तो इसके बाद जो तीसरा लेवल होता है गाइस, तीसरा लेवल जो होता है उस लेवल का नाम है सुपरवाइजर। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेवल है गाइस, सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, बेसिकली गाइस हमारे कंपनी के अंदर जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसमें बेसिकली हमारे 5 लेवल्स होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले होता है गाइस नोवस कस्टमर, जो कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे कंपनी हमें 5% का, ठीक है, डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है गाइस असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब 2CC, अभी जो मैंने अभी आपको समझाया 2CC क्या होती है। उसके बाद जो तीसरा लेवल होता है गाइस सुपरवाइजर लेवल, और सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए गाइस हमें 25CC का बिजनेस करना होता है पूरे टीम से। ठीक है, सेम उसी तरीके से गाइस जो तीसरा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए हमें 75CC चाहिए होती है। ठीक है, और उसके बाद होता है गाइस मैनेजर लेवल, जो कि हमारा एक ड्रीम लेवल होता है, लोगों का सपना होता है मैनेजर बनना। आज फॉरएवर में जितने लोग भी स्टार्ट करते हैं ना कहीं उनका सपना होता है मैनेजर बनने का, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद जो है ना आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो गाइस। ठीक है, तो मैनेजर बनने के लिए जो है गाइस हमें 120cc या फिर 150cc का बिजनेस करना होता है। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया होता है गाइस मैनेजर बनने का। आप 120cc 2 महीने के अंदर अगर आप कर लेते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो, अगर आप 150cc 4 महीने में अगर आप कर लेते हो तो भी आप मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया होता है गाइस मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने का। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली कंपनी में जो है 5 लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे जो लेवल्स होते हैं गाइस, ये सारे जो लेवल्स हैं ना वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, परमानेंट लेवल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओनली प्रमोशन होता है गाइस, ओनली प्रमोशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ना कभी डिमोशन नहीं होता, मतलब ऊपर जाने का रास्ता तो है गाइस लेकिन नीचे आने का रास्ता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन आपका कभी यहाँ पे डिमोशन नहीं होगा। अगर आप किसी भी लेवल्स को अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाता है, उसके बाद चाहे आप काम करो या ना करो डजेंट मैटर, लेकिन आपका लेवल कभी डाउन नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखना, जो आपने एक बार लेवल को क्वालिफाई कर लिया आप उसी लेवल पर आप हमेशा के लिए रह जाते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है, आप यहाँ पे कभी भी आपका यहाँ पे डिमोशन नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक लेवल पे फायदे क्या क्या होते हैं, हर एक लेवल पे कंपनी कैसे पैसा देती है, कितने परसेंटेज में कंपनी पैसा देती है, अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आप गाइस समझना। ठीक है, सो गाइस अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लेवल्स लिखे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो गाइस, तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है ना 30% का मिलता है। जब आप सुपरवाइजर बनते हो यहाँ पे भी 30% प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर पे भी 30% का डिस्काउंट मिलता है और मैनेजर पे भी 30% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट तो सबके ऊपर सेम मिलता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी लेवल क्वालिफाई करो, बट एक चीज़ में डिफरेंट होती है गाइस, वो है कैशबैक। जब भी हम अपने आईडी पे कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं ना, तो कंपनी हमें कैशबैक देती है। ठीक है, तो AS लेवल पे जो आपको कैशबैक मिलता है वो 5% का मिलता है। सुपरवाइजर लेवल जब आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे कंपनी आपको 8% का कैशबैक देती है। ठीक है, और जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, जब अपने आईडी पे आप प्रोडक्ट्स को परचेजिंग करोगे तो यहाँ पे आपको 13% का कंपनी कैशबैक देगी, और जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो तो यहाँ पे जो आपको कैशबैक मिलेगा गाइस 18% का कंपनी आपको कैशबैक देगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो AS लेवल पे आपको कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर 35% का डिस्काउंट दे रही है, सुपरवाइजर लेवल पे आपको 38% का डिस्काउंट दे रही है, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 43% का डिस्काउंट दे रही है, और मैनेजर लेवल पे आपको 48% का डिस्काउंट दे रही है। मतलब सोचो कि आपको कंपनी यहाँ पे आधे दाम पे प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देती है। मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे जो है प्रोडक्ट सस्ता होता चला जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, मतलब इनकम बढ़ती है और प्रोडक्ट सस्ते होते चले जाते हैं, अच्छी बात यह है। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।
सो अब मैं आपको बताने वाला हूं न्यू ज्वाइनिंग बोनस। एनजीबी का मतलब न्यू ज्वाइनिंग बोनस, मतलब जब आप किसी को रिक्रूट करोगे अपने अंदर तो आपको कितना परसेंट कंपनी देती है। ठीक है, देखो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो ना, और जब आप यहां पे किसी को रिक्रूट करते हो, किसी एक पर्सन को जब आप ज्वाइनिंग करते हो, तो यहां पे आपको मिलता है 25%। कितना मिलता है आपको न्यू ज्वाइनिंग बोनस? 25%। जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो यहां पे आपको जो न्यू ज्वाइनिंग कमीशन मिलती है वो मिलती है आपको 33% का। ठीक है गाइस, जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो यहां पे जो आपको न्यू ज्वाइनिंग कमीशन मिलती है वो मिलता है गाइस आपको 38% का। ओके, और जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो तो यहां पे जो आपको न्यू ज्वाइनिंग कमीशन मिलती है वो मिलता है 43% का। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि अमाउंट में कितना रुपए होता है। ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं अभी। ठीक है, ये तो गाइस आपको समझ आ गया कि अगर आप किसी की न्यू ज्वाइनिंग करते हो किसी भी लेवल पे तो आपको कितना परसेंट कंपनी देगी। राइट, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि टीम बोनस कैसे आता है, कितना परसेंट आता है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आपके अंदर टीम है, ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो है उसके टीम से 5% आता है दोस्तों। कितना आता है? 5% आता है। ठीक है, पूरे टीम से जितना ही बिजनेस होता है 5% आता है। ठीक है, अगर कोई सुपरवाइजर है तो उसको जो टीम से पैसा आता है गाइस वो आता है 3%। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर को जो है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से, मतलब एक जो असिस्टेंट मैनेजर होता है ना उसके अंदर में सुपरवाइजर्स भी होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीम होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है गाइस, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से एक असिस्टेंट मैनेजर को कितना पैसा आता है ना? 8% आता है दोस्तों। कितना आता है? 8%। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर की टीम से दोस्तों आती है 5%। कितना आता है? 5% आता है। एक असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर की टीम से 5% का इनकम आता है। ठीक है, टीम बोनस। ओके, सो गाइस अब हम बात करते हैं मैनेजर लेवल की। ठीक है, तो जब आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो ना तो मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से, क्योंकि एक मैनेजर के अंदर ना बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से एक मैनेजर को आता है दोस्तों 13%। कितना आता है? 13%। ठीक है, सेम एक मैनेजर को सुपरवाइजर की टीम से 10% आती है दोस्तों। कितना आता है? 10%। ठीक है, उसके बाद एक मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आता है गाइस 5% आता है। ठीक है, ये परसेंटेज आपको देखने में छोटा लग रहा होगा गाइस, अभी मैं आपको अमाउंट में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि कंपनी कितना पैसा देती है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंपनी टीम बोनस कैसे देती है, आपको ज्वाइनिंग कमीशन कितना आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको हर एक लेवल पे कितना पैसा आ सकता है। अभी तो मैंने आपको परसेंटेज के फॉर्म में बताया, अब मैं आपको इनकम के फॉर्म में बताने वाला हूं कि आपको हर एक लेवल पे कितना पैसा आ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। ठीक है, देखो गाइस जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो, जब आप अपने अंदर किसी की 2CC कराते हो, मान लो आपने एक महीने में 3 लोगों की आपने 2CC करवाया, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर जितने भी लोग ज्वाइनिंग करेंगे ना तो आपको हर एक पर्सन से कितना परसेंट आने वाला है? 25%। कितना आएगा? 25% सबसे आएगा। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको अमाउंट के रूप में बताऊं तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और अगर आप एक पर्सन का अगर आप 2CC कराओगे ना तो आपको अप्रोक्सीमेटली आती है 7,000 रुपीज। कितना? 7,000 रुपीज। अगर आपने एक महीने में 3 लोगों की 2CC अगर आपने करवा लिया तो 7,000 7,000 7,000, टोटल कितना हो गया गाइस? 21,000 रुपीज। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल की। जब आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो ना और यहाँ पे जब आप किसी की 2CC कराते हो गाइस, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे आती है 33%। ठीक है, कितना? 33% आती है। अगर मैं अमाउंट के फॉर्म में आपको बताऊं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको आती है 8,500। अगर आप एक पर्सन की 2CC कराते हो तो आपको 8,500 रुपये आता है। ठीक है, सेम उसके बाद मान लो आपके अंदर जो AS की टीम है, एक सुपरवाइजर के अंदर जो AS की टीम होती है ना, तो AS की टीम से एक सुपरवाइजर को 3% का टीम बोनस आता है गाइस। ठीक है, कितना? 3% आता है। अगर मैं एक सुपरवाइजर की इनकम की बात करूं तो वो महीने के 40 से 50,000 रुपये कमाता है हर महीना, अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर की गाइस, अगर एक असिस्टेंट मैनेजर अगर अपने अंदर किसी की 2CC कराता है तो उसको ना 10,000 रुपये आते हैं एक पर्सन से। अभी मैंने आपको इसका परसेंटेज बताया था कि आती है 38% का ज्वाइनिंग कमीशन आता है। कितना? 38% का। अगर 38% के हिसाब से अगर एक इंसान की अगर 2CC कराएगा एक असिस्टेंट मैनेजर तो 10,000 रुपये आता है गाइस। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मान लो एक असिस्टेंट मैनेजर के अंदर जो AS की टीम है, तो AS की टीम से गाइस अप्रोक्सीमेटली 8% का टीम बोनस आता है। कितने का? 8% का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सुपरवाइजर की टीम से, ठीक है, सुपरवाइजर की टीम से एक असिस्टेंट मैनेजर को 5% आता है गाइस। कितना? 5%। ठीक है, अगर मैं अमाउंट में बात करूँ ना गाइस, तो एक असिस्टेंट मैनेजर की महीने की इनकम
60,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का होता है एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैनेजर की, ठीक है ध्यान से आप समझना। अब मैं आपको मैनेजर की इनकम बताने वाला हूँ कि एक मैनेजर, ठीक है, महीने के 1,00,000 प्लस की इनकम कैसे करता है। अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ तो ध्यान से समझिएगा गाइस। ठीक है, देखो अगर एक मैनेजर किसी एक पर्सन की 2CC कराएगा ना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 43% का ना ज्वाइनिंग कमीशन आती है। ठीक है, अगर मैं अमाउंट की फॉर्म में बात करूँ गाइस तो अप्रॉक्सीमेटली 11,500 रुपये आता है। अगर एक मैनेजर एक पर्सन की 2CC कराएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 11,500 रुपये आएगा। ठीक है गाइस, अब मान लो एक मैनेजर है, उसके अंदर में जो AS की टीम है गाइस, ठीक है, तो AS की टीम से 13% आता है गाइस। ठीक है, कितना आता है 13%। अगर जो सुपरवाइजर की टीम है, एक मैनेजर के अंदर जो सुपरवाइजर की टीम है, तो सुपरवाइजर की टीम से आती है गाइस 10%। ठीक है, और जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर के अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर की जो टीम होती है ना, उससे एक मैनेजर को आता है 5% की टीम बोनस। अगर दोस्तों एक मैं अमाउंट में कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है आप ध्यान से समझना। मान लो एक मैनेजर जो है दो लोगों की ना 2CC कराता है, तो एक मैनेजर की इनकम हो गई अगर वो किसी की 2CC कराता है तो अप्रॉक्सीमेटली हो गई दोस्तों 23,000 रुपये। ठीक है गाइस, मान लो AS की टीम से गाइस एक मैनेजर जो है ना, उसके अंदर जो AS की टीम है, एक AS की टीम जो है मान लो 3,00,000 का टर्नओवर करती है एक महीने में, तो 3,00,000 का 13% अगर आप निकालोगे गाइस तो 39,000 रुपये होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं AS की टीम। ठीक है, अगर मान लो एक मैनेजर के अंदर जो सुपरवाइजर की जो टीम है, अगर एक सुपरवाइजर की टीम मान लो 5,00,000 का टर्नओवर करता है गाइस, कितने का 5,00,000 का टर्नओवर, तो इसका अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50,000 गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की टीम। ठीक है, अगर एक मैनेजर के अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर की टीम है मान लो गाइस वो भी 5,00,000 का टर्नओवर करता है, ठीक है, तो 5,00,000 का गाइस 5% अगर आप निकालते हो ना तो आपको यहाँ पे निकल के आता है 25%। कितना गाइस, तो गाइस एक बार ना मैं आपको सारे अमाउंट को ना कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि कितना अमाउंट आता है। आप ध्यान से देखना, 23,000 प्लस 39,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है 1,37,000 रुपये। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आपको बताया जाता है गाइस कि एक मैनेजर की जो इनकम होती है महीने की ना, वो 1,00,000 प्लस की होती है। तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक मैनेजर को 1,00,000 प्लस की इनकम कैसे आती है, राइट। सो आई होप गाइस अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको अमाउंट के फॉर्म में बता दिया कि एग्जैक्टली कंपनी पैसा कैसे देती है हर एक लेवल पर, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि हर एक लेवल पे आपको कितना परसेंटेज आता है, ठीक है, और मैंने आपको अमाउंट के फॉर्म में भी बता दिया कि कंपनी आपको कितना पैसा देती है, ठीक है, और मैनेजर लेवल पे 1,00,000 रुपए प्लस की इनकम कैसे आती है मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, सो गाइस मैनेजर बनने के बाद भी और भी ना बहुत सारे इनकम के सोर्सेज खुलते हैं, जिसमें से गाइस एक इनकम होती है कार प्लान। ठीक है, कंपनी ना हमें कार लेने का भी पैसा देती है, जो कि गाइस 3 लेवल पे होती है। ठीक है, एक होती है लेवल 1, ठीक है गाइस, एक होती है लेवल 2 और एक होती है लेवल 3। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो गाइस तो कंपनी आपको 26,000 रुपये देती है पहले लेवल पे कार लेने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लेवल 2 अगर आप क्वालिफाई करते हो गाइस तो आपको ना कंपनी 39,000 रुपये देती है कार लेने के लिए। ठीक है, अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो कंपनी आपको 52,000 रुपये देती है कार लेने के लिए। ठीक है गाइस, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर 26,000 39,000 या 52,000 में कार कैसे आएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी कार नहीं आएगी, बट कंपनी गाइस देती है आपको 36 महीने तक। आप कोई भी लेवल क्वालिफाई करते हो, जैसे मान लो आपने लेवल 1 क्वालिफाई किया तो कंपनी जो है ना 36 महीने तक आपको 26,000 हर महीने देगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गाइस लेवल 1 में, तो लेवल 1 में जो आपको टोटल अमाउंट कंपनी देती है 9,36,000 रुपये। अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ गाइस तो कंपनी आपको देती है 14,04,000 रुपये। ठीक है गाइस, अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो 3 साल तक जो कंपनी आपको पैसा देगी 18,72,000 रुपये गाइस। ठीक है, तो गाइस ये है कार प्लान लेवल। ठीक है, जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो कंपनी कार लेने के लिए भी आपको आपको EMI देगी हर महीने। ठीक है, कार प्लान के बाद गाइस एक और चीज़ होती है, एक मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट जो एक टूर होता है गाइस, जो कि एक डोमेस्टिक टूर होती है, इंडिया के अंदर आपको कंपनी घुमाती है। ठीक है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन पीरियड होती है गाइस वो होती है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 31 मार्च तक। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन पीरियड होती है, इस बीच में जो है हमें मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करना होता है। ये भी गाइस 3 लेवल पे होता है, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसके लिए ना गाइस हमें 200 CC करनी पड़ती है 1 साल के अंदर में, जो ये क्वालिफिकेशन पीरियड है इस पीरियड में हमें 200 CC करनी होती है।
लेवल टू में गाइस 300 सीसी करनी होती है और लेवल थ्री में गाइस हमें 400 सीसी करनी होती है, ठीक है, इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर। अगर आप लेवल वन क्वालिफाई करते हो गाइस तो कंपनी जो है ना आपको 2 नाइट 3 डेज का आपको ट्रिप देती है, ठीक है। अगर आप लेवल टू क्वालिफाई करते हो तो 3 नाइट 4 डेज का आपको ट्रिप मिलेगा। अगर लेवल थ्री क्वालिफाई करते हो तो कंपनी आपको 4 नाइट 5 डेज का कंपनी आपको ट्रिप देती है गाइस, ठीक है। तो ये भी बहुत ही लग्जेरियस ट्रिप होता है गाइस अगर आप मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस एक और होती है ट्रिप जिसे हम बोलते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये गाइस जो टूर होती है ना ये एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है गाइस, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप होता है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन पीरियड होती है 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक का होता है। इसी बीच में जो है हमें ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए जो हमें सीसी करनी होती है गाइस 720 सीसी करनी होती है 1 साल में पूरे टीम से, ठीक है, 1 साल में 720 सीसी करनी होती है। अगर हम डिवाइड करते हैं गाइस 720 को अगर हम 12 से डिवाइड करें ना तो गाइस 60 सीसी होती है। अगर आप अपने टीम से 60 सीसी हर महीना करते हो ना तो आप ये इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो गाइस, सोचो कितनी बढ़िया बात है ना। और इसमें जो आपको कंपनी ट्रिप देती है 4 डेज 3 नाइट का आपको कंपनी ट्रिप देती है गाइस, ठीक है। तो ये तो था ईगल मैनेजर रिट्रीट जो कि इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस फॉरएवर की एक सबसे बड़ी इनकम होती है, ठीक है गाइस, जिसका नाम है चेयरमैन बोनस। क्या नाम है दोस्तों? चेयरमैन बोनस, ठीक है। जो भी इंसान फॉरएवर में ज्वाइन करता है ना उसका एक बार सपना जरूर होता है कि उस वो चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करे। ये चेयरमैन बोनस क्या होता है गाइस? चेयरमैन बोनस होता है गाइस कंपनी जो एक साल में जितनी भी कंपनी प्रॉफिट करती है ना तो कंपनी जो है उसका 3% जो है ना कंपनी बांट देती है। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है कंपनी उसका 3% जो है बांटती है। अगर आप लेवल वन क्वालिफाई करते हो गाइस तो लेवल वन में जो आपको चेयरमैन बोनस मिलता है ना 4 लाख से लेके 40 लाख तक का मिलता है। अगर आप लेवल टू क्वालिफाई करते हो गाइस तो 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का मिलता है। अगर आप लेवल थ्री क्वालिफाई करते हो तो आपको 2.5 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक का आपको अमाउंट मिलता है अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हो गाइस, ठीक है। तो ये फॉरएवर की ना सबसे बड़ी इनकम है दोस्तों, सबसे बड़ी इनकम। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया ना तो आप कई साल की इनकम ना आप एक बार में कमा सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये थी फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम। और यहाँ पे हमारा मार्केटिंग प्लान दोस्तों खत्म होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली आप फॉरएवर के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, राइट। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है ना तो जो भी आपके सीनियर है जिन्होंने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया है ना वो आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया ना आप उन्हें मैसेज करो कि सर मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।